नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं आपकी चैनल आर्यन टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो उस मोबाइल चोर का पता आप खुद आसानी से लगा सकते हैं, और वो कैसे जानने के लिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। पहला काम आप ये कीजिए कि आपके मोबाइल में जो स्क्रीन लॉक है उसे हटा दीजिए सेटिंग में जाके, क्योंकि जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो खुद एक ऐप लॉक है जिसका नाम है पिन जेनी लॉकर स्क्रीन लॉक एंड ऐप लॉक। यहाँ पे हम इसके डाउनलोड्स देख सकते हैं, 1 मिलियन तो इसके डाउनलोड्स है और इसकी रेटिंग है 4.6 जो बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अगर आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं मिलती तो इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज करने वाले के रिव्यू भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन यूज करने वालों ने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू दिए हैं इस एप्लीकेशन के लिए। इस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ इसलिए डायरेक्टली इसको मैं ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे जो लिखा है बूस्ट योर लॉक स्क्रीन स्पीड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट सेटिंग करना है। अब यहाँ पे हम क्लिक करके पिन जेनी लॉकर को ऑन करेंगे। ओके, अब ये दूसरा सेटिंग हमें कर लेना है जो यहाँ पे लिखा है प्रीवेंट लॉक स्क्रीन फेलर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो ये एप्लीकेशन दिख रही है पिन जेनी लॉकर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अलाउ यूजर ट्रैकिंग लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करके इसको ऑन करेंगे। ये एड को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा। सेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें जिस टाइप का लॉक चाहिए वो लॉक हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं इस टाइप का लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है, फेवरेट टीचर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी JD सर। ओके पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें जिस डिजिट का पिन रखना है उस डिजिट पे हम क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ सेट अ 4-डिजिट पिन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। अब जैसे कि मुझे मेरा पिन चूज करना है 1, 2, 3, 4 और कंफर्म करने के लिए हमें कहा जाएगा तो 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमें एक मेल आईडी पूछा जाएगा, वो मेल आईडी आपको खास लिखना है। आपको वो मेल आईडी पे आपका पिन नंबर भी भेजा जाएगा अगर आप भूल जाते हैं तो, और वो मोबाइल चोर इस मेल आईडी से ही हम पकड़ सकते हैं, इसलिए मेल आईडी लिखना बिल्कुल ना भूले। मेल आईडी लिखने के बाद डन पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये जो ऑप्शन हमें दिख रहा है इंट्रूडर सेल्फी, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस सेटिंग को इस यहाँ पे हम क्लिक करके ऑन करेंगे। अब हम बैक चले जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सेटिंग करने से हमें क्या फायदा होगा। अगर किसी चोर के हाथ में आपका मोबाइल आ गया तो वो एक बार तो मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश करेगा ही, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल का लॉक खोलेंगे। मैंने मोबाइल का लॉक कोड रखा था 1, 2, 3, 4, पर यहाँ पे मैं गलत कोड डालूंगी 3 बार, 4, 5, 6, 7 ये गलत कर दिया, 7, 8, 9, 6 ये गलत कर दिया, 4, 7, 8, 9 ये भी गलत। अब जैसे ही चोर 3 टाइम मोबाइल का पासवर्ड गलत डालेगा वैसे ही उसका फोटो आपके मेल आईडी में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ खुद 3 बार कोड गलत डाला है, तो मैं देखूंगी अंदर मेल में कोई फोटो आई है कि नहीं आई है, वो हम देख लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे फोटो आ गई है। अब हम मेल आईडी में चेक करेंगे कि मेल आईडी में फोटो आई है कि नहीं। गैलरी में तो फोटो आ गई है। एप्लीकेशन की सेटिंग के अंदर हमने जो मेल आईडी ऐड किया था वही मेल आईडी हमें ओपन करना है, वही मेल आईडी पे चोर की फोटो आएगी। अब इस मेल आईडी में 2 मेल आया है। फर्स्ट मेल आया है जो हमने ऐप लॉक का पासवर्ड रखा था उसका मेल है, और दूसरा मेल हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस टाइप का सब्जेक्ट आ गया है, समवन ट्राई टू अनलॉक योर डिवाइस। यहाँ पे हमारे सामने एक फोटो भी आ गई है, ये फोटो हम ओपन करके देख लेंगे। ये कैमरे के सामने मैंने अपना फेस नहीं रखा इसलिए मेरी फोटो कैप्चर नहीं हुई है। तो मोबाइल चोर की फोटो इस तरह से आप अपने मेल आईडी में ले सकते हैं। भले ही आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा तो भी उस चोर की फोटो आपके मेल आईडी में आ जाएगी। तो इस तरह से आप आपके मोबाइल चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और उस एप्लीकेशन में छोटे से सेटिंग करने हैं, और वो मेल आईडी ऐड करना है जिस मेल आईडी में आपको मोबाइल चोर की फोटो चाहिए। मोबाइल चोर एक बार तो आपके मोबाइल की स्क्रीन लॉक को खोलने की कोशिश तो करेगा ही, और वो चोर जैसे ही मोबाइल स्क्रीन गलत डालेगा वैसे ही उसकी फोटो आपके मेल आईडी में आ जाएगी,
और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम किस अनजान आदमी ने आपका मोबाइल टच किया था और आपका मोबाइल किसने चोरी किया है। इस तरह बड़े ही आसानी से हम हमारे मोबाइल चोर का पता लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो ये बेल आइकन है इसे क्लिक करना ना भूले, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और यहाँ से आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।